भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज भारत एट नाइन में हम एक ऐसे जिले की बात करने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो काफी पौराणिक है। जी हाँ, लेकिन पौराणिकता के साथ साथ अगर आज की हकीकत की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पौराणिकता में सहूलियतें सुविधाएं इस शहर की हुआ करती थी वो आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की जनता हर एक सुविधा के लिए तरस गई है। बात होगी बुलंदशहर की गुलावटी की। बुलंदशहर की गुलावटी नगर पालिका का बजट 50 करोड़ के ऊपर का है। आंकड़ा कम नहीं है, 50 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 50 करोड़ का मतलब है कि अगर आप इसे लोगों की सुविधा के लिए नगर पालिका की जो भी काम होते हैं उसमें लगाएं तो अच्छा खासा आपकी जो नगर पालिका है वो चमक जाएगी। लेकिन अगर विकास कार्यों का जायजा लिया जाए तो गुलावटी खुद को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगा हुआ महसूस करता है। खुली नाली, टूटी सड़कें, जर्जर सामुदायिक केंद्र गुलावटी की पहचान बनी हुई है। अभी गुलावटी की सिर्फ और सिर्फ यही पहचान है। हाँ, अब आप कहेंगे कि गुलावटी तो बहुत खूबसूरत था। हकीकत आज की यही है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष ने एक अखबार को आने वाले विकास कार्यों को बताते हुए अखबार में छपवाया, लिखा, 50 करोड़ की लागत से चमकेगी गुलावटी। जर्जर सड़कें, बिजली पोल, वाटर कूलर, नई सिवर लाइन के वादे भी किए, लेकिन विकास के नाम पर अब तक का रिपोर्ट कार्ड क्या है? वो है शून्य। बजट के मुताबिक गुलावटी के विकास कार्यों के लिए हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन कितना खर्च हुआ इसे तो शायद भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि इंसानों का तो अब इंसानों के वादों से भरोसा उठ चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष के दावे वंदे भारत ट्रेन की स्पीड से भी तेज है। आप जानते होंगे ना वंदे भारत की ट्रेन की स्पीड कैसी है। अब इसकी तेजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गुलावटी जो कभी अपने विकास और अच्छी सड़कों के लिए जाना जाता था, अब टूटी सड़कें, खुले नाले, कचरे इसकी पहचान हो चुकी है। नगर पालिका गुलावटी में जहां पानी की समस्या है, वहीं दूसरी ओर एक साल गुजर जाने के बाद भी नगर वीरान पड़ा हुआ है। पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि घरों में पाइपलाइन से साफ पानी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर पालिका को लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना होता तो बात ही कुछ और होती। जब कुछ लोगों से इस मुद्दे पर बात की गई, न्यूज वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि साहब, बीते कई सालों से यही समस्या है, हम जाएं तो किसके पास जाएं? जब हम नगर पालिका अध्यक्ष के पास जाते हैं तो बस एक उम्मीद जगा दी जाती है कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। आप लोग जो दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जब आप कोई भी काम कराने जाते हैं आपको आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन होता क्या है ये आप भी जानते हैं। मैं हर जगह की बात नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर तो हालात ऐसे ही हैं, काम कुछ नहीं होता। कभी कभी तो हमें गंदा पानी पीना पड़ जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी सरकार ने हर घर नल योजना के तहत प्रदेश की 56% आबादी तक साफ पानी पहुंचाया है। 56% कम नहीं होता है, 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। 56% तक अगर आप साफ पानी पहुंचा रहे हैं तो गलती सरकार की नहीं, गलती उस प्रशासन की है जिसकी जिम्मेदारी है अपनी नगर पालिका को स्वच्छ साफ रखने की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुलावटी के लोग उन 56% वालों में से नहीं है, या गुलावटी नगर पालिका नहीं है? जहां देश की 2.5 करोड़ आबादी को साफ पानी नहीं मिलता तो वहीं देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग कई मौत के गाल में समा जाते हैं। गंदा पानी पीने की वजह से इनकी मौतें हो जाती हैं और कई बीमार हो जाते हैं। अगर ऐसे में गंदा पानी पीने से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, नगर पालिका या प्रशासन?
क्योंकि सरकार पर अगर सवाल खड़े होते हैं वो तब होते हैं जब सरकार द्वारा कोई योजना ना चलाई जा रही हो। सरकार के द्वारा बजट दिया गया, योजना चलाई गई, नगर पालिका लेकिन आंखें बंद करके बैठी है। प्रशासन क्या कर रहा है ये तो भगवान बताएंगे। गुलाबची के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत नाली को लेकर है। बारिश से पहले नाली की सफाई होनी थी लेकिन नाली की सफाई का काम ऐसा किया कि बारिश का पानी नाले से ओवरफ्लो होकर घरों में जा घुसने लगा। अब ऐसे में जनता जाए तो जाए कहां? नाले को लेकर बीते दिनों प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट करके कहा कि जल जमाव का सबसे बड़ा कारण नाले पर अतिक्रमण है, जनता से संवाद करके साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। हमने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था। आप सभी ने, जिन लोगों तक ये खबर पहुंची होगी आप सभी ने देखा होगा, अगर गुलावटी में नाले नालियों का पटाव देखा जाता है, नाले पर नाला पटा हुआ है और इसी कारण नाले पर आए दिन बारिश होने पर जल भरा हो जाता है और काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है और निकलना मरना बहुत दूर होता है। नाले नालियों में गोबर आधा कारण तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होने का नाले का गोबर ही है, जिसके कारण तमाम दुर्गंध और गंदगी और नालियाँ बिल्कुल भरी हुई चलती हैं गोबर के कारण। मैं फिर मैडम से आगे मार्केट से आगे और जो नाले का आखिरी एंड सिरा है उससे लेकर बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ दिया हो, चाहे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कोई मामला दूसरा खतरा हो, सबको अच्छी तरह साफ करा के तभी इस नाले की और जल भराव की समस्या को पूरी तरह से हम हल कर सकते हैं। गुलाबची नगर पालिका पर सरकार की बातों का इतना असर हुआ कि नाले, सड़क और गड्ढे सब एक हो गए। जहां गड्ढों को पाटना था, नालों की सफाई करनी थी, यहां पर गड्ढे, सड़कें, नालियां सब एक कर दी गई। जब वहां के स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नाले की सफाई को लेकर सिर्फ नगर पालिका की तरफ से कोटा पूरा किया जा रहा है, हीला हवाली की जा रही है। बारिश का मौसम आते ही गुलाबची के लोगों के लिए आफत शुरू हो जाती है। जहां एक तरफ टूटी सड़कें तो वहीं नाले का पानी घरों में घुसने लगता है, तो वहीं सारा कचरा सड़क पर आ जाता है। मतलब अगर बारिश आई तो शामत भी आई और बीमारी भी आई। जब इस मसले पर कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर बस लूट हो रही है, लोग शिकायत कर करके थक चुके हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बढ़ते तापमान के बीच लोगों को जब प्यास लगती है तो कहां जाए। नगर पालिका अध्यक्ष की तरह सब तो रसूख वाले है नहीं कि एसी में बैठ के फ्रिज का पानी पीकर डकार मारे। गर्मी से बचने के लिए प्रशासन सड़क पर चलने वाले आम राहगीरों के लिए शीतल जल की सुविधा को लेकर किस तरह के पुख्ता इंतजाम करता है, कस्बा गुलाबची में ग्राउंड जीरो पर नजर आता है। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको हकीकत भी दिखाई थी, हाल चाल जाना था और वहां जब हम पहुंचे थे तो मंजर कुछ और ही था। नगर पालिका गुलाबची द्वारा जनता के लिए लगाए जाने वाले वाटर कूलर जर्जर अवस्था में पाए गए थे, जो कि पालिका की लापरवाही को साफ तौर पर दर्शा रहे थे। एक साल से ज्यादा हो गया। किस तरह की नगर पालिका से मांग करें? नगर पालिका से ये मांगे, नवनिर्वाचित चेयरमैन नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि बेचारे ये कराएं इस काम को, लोगों को बड़ा फायदा होगा इससे। एक साल खुला ब्लॉक से सब लोगों को पानी मिलता था, गर्मी किस तरह पड़ रही है। जानकारी मिली कि चोरी जैसी भी कोई आशंका जताई जा रही है? चोरी तब तक नहीं हुई है लेकिन फिर भी जो कई जगह तो उखड़ कर चले गए उनका पता ही नहीं कहाँ चले गए। पिछला महीना बीत जाने के बाद भी इसका असर नहीं हुआ। एक महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि जब प्रशासन तानाशाह हो जाए और शासन सत्ता भोग के लिए किया जाए तो समझ लो उस शासन का पतन निश्चित है। राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा होता है लेकिन मौजूदा गुलाबची को देखने के बाद ऐसा महसूस नहीं होता कि ये जनता के सेवक है। जिनको जिम्मेदारी दी गई है क्या वो जनता की सेवा कर रहे हैं? बीते मई महीने की 31 तारीख थी, हमने बताया था कि वाटर कूलर लगाए तो गए हैं लेकिन बस नाम के लिए, दिखावे के लिए। महीने गुजर चुके हैं लेकिन नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद से अभी तक नहीं जागी है। कब जागेगी नगर पालिका ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया
हर एक खबर को प्रमुखता से उठा रहा है। गुलाबटी नगर पालिका ने जो काम किए हैं, जो नहीं किए हैं, उसकी सच्चाई आप तक पहुंचा रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है, आगे भी बहुत सारी हकीकत है जिससे पर्दाफाश हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।